गुड मॉर्निंग फैमिली. अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम पीने जा रहे हैं. चाय पानी तो हमारा हो गया है. देखो हम भाई और हाँ नमकीन नहीं खाए हैं, तो एक छोटी सी ग्लास बाबू की थी, बाकी हमारा और भाई का था. तो भाई का चाय पानी हो गया है और अब हम चल रहे हैं, पानी पी लिए है चाय पीने. और आज हमारे यहाँ सुबह ही खाना बन गया, बहुत ही सुबह भाभी उठ के बना दी. क्योंकि इतनी सुबह बनता नहीं है. नॉर्मली क्या था ना कि आज हमारे गांव में यहाँ ससुराल की साइड में किसी की डेथ हो गई है, तो फिर मतलब सारा दिन नहीं बन सकता है. मम्मा बेटा मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, मैं तो कैसे बताऊँ आपको. तो फिर वही है ना कि हाँ मैं क्या बोल रही थी कि अब फिर नहीं बनता कुछ आज, तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भाभी ने बना दिया है. बस तो यही है, अभी जब मैं उठी तो सब बताने लगे हैं और हम के इतना सब इतनी सुबह क्या जो है किचन में बन रहा है. तो गए देखे तो भाभी बच्चों के लिए बना के रखी थी ब्रेकफास्ट लंच, ताकि उनको दिक्कत ना हो. अब बच्चे हैं, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा, है ना. फिर मैंने सोचा मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए थोड़ी देर, और आप भी चाय पी लेनी चाहिए. तो एक्चुअली ये गांव जो है हमारा काफी बड़ा है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर ना पिछले 6 साल से नहीं हूँ. 6 साल से यहाँ पर नहीं हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. किसी के घर का नाम नहीं याद है. जो मेरे घर के आजू बाजू घर है, तीन तीन चार घर, उनके उनके बारे में मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 साल रही हूँ. तो जो हमारे आस पास के लोग हैं वो आते थे, जैसे लड़कियाँ आती थी और फिर जानते थे, घर से बाहर जब निकलते थे हम लोग तो उतना तो जानते थे, लेकिन बाकी मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी नई नई थी. और आपको तो पता है गांव के रीति रिवाज परंपरा क्या है, कि इतना आपको करना होता था, तो इसलिए मुझे इतना कुछ यहाँ के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है. जो लोग बोलते हैं आप अपने गांव के बारे में नहीं जानते हो, तो मायके के बारे में भी मुझे नहीं पता. हम लड़कियां जो है हमारे घर में अभी तो काफी फ्रैंक हो गई हैं जो हमारी सिस्टर्स लोग हैं, बट पहले ऐसा था ना कि सीधे स्कूल, स्कूल से घर, और किसी के यहाँ आना जाना नहीं, कोई किसी के यहाँ नहीं आता जाता था. तो इसलिए गांव, हाँ गांव का मायके का तो एक हिसाब से आप नाम तो जानोगे सबके घर का, कि इनके घर का, इनके ऐसा ऐसा करके, क्योंकि आप वहां पर काफी टाइम रहते हो. बट ससुराल का नहीं जान पाओगे, क्योंकि मे भी मैं अगर इतना टाइम, जैसे अभी यहाँ पर मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, 2012 में हुई थी, 12 8 20 हो गया, 8 कंप्लीट हो गया, 21 चल रहा है. तो फिर अगर मैं इतना टाइम रहती तो मे भी मैं जान जाती, लेकिन जब मैं इतना टाइम थी नहीं ना, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. सो यही है, बाबू पूछ रहे हैं मम्मा किसके यहाँ, तो मैं बता नहीं सकती हूँ. नहीं पता बेटा, मुझसे ज्यादा तो मेरा बेटा जानता है, क्योंकि ये लोग शाम में नंदन भैया, चंदन भैया के साथ में निकल जाते हैं. नंदन चंदन मेरी जेठानी के बच्चे हैं, उनके साथ ही घूमने चले जाते हैं शाम में. हाथ मेरा दर्द होने लगा, तो चलो मैं अभी आप लोगों से कुछ देर बाद बात करूंगी. आज मौसम थोड़ा सही है, नहीं तो 4 5 दिन से तो बारिश होती बारिश है. मेरा बच्चा बता रहा है आज इसको बुखार हो गया है. अरे खूब भीगता है तो क्या किया जाए, बारिश में क्यों भीगते हो. एक दिन में पता है इनके 5 से 6 कपड़े गंदे होते हैं, मतलब कभी पानी से भिगा के आ जाएंगे, कभी कीचड़ लगा के आ जाएंगे. इतना कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं मम्मा को ये. अब नहीं करने वाला, तो चलो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद. और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मायके के लिए, तो हमने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी अपडेट दे देनी चाहिए. साड़ी जो मैंने बाबू के बर्थडे के दिन पहनी हुई थी, मतलब सुबह के टाइम हम लोग मंदिर गए थे, वो साड़ी हमने पहनी हुई है, क्योंकि ये साड़ी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है. थोड़ी सी इसका जो थोड़ा सा प्लेट ना मुझसे नहीं बन पाया है, बट कोई नहीं, चलना तो घर ही है. और मैंने बालों को कर्ल कर लिया हुआ है और यहाँ पर क्लचर से फंसा लिया है, बाकी कुछ खास नहीं. आप देख सकते हो क्लिप बाम लगाया हुआ है मैंने, कुछ नहीं, थोड़ा सा हाइलाइटर. तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आप सबसे कुछ देर बाद. ओके बाय. हाय.
सो फ्रेंड्स अभी शाम के बज गए हैं 5:30, इतने का टाइम, कितने का टाइम है नेहा? तो अभी तो नेहा बता रही है 3, तब हम घर से कब निकले थे? शायद 1 बजे निकले थे। नहीं 1 बजे नहीं निकले थे, बहुत जल्दी पहुंच गए ना। नहीं हाँ रास्ता बन गया, 30 मिनट में ही हम आ गए हैं, तो रास्ता पूरा बन गया ना, तो इसीलिए हम तो घड़ी देखे थे यार, 2 बजने में कुछ मिनट बाकी थे जब हम घड़ी देखे थे, घर पे ही थे तो जल्दी आ गए, आज रास्ता भी नहीं पता चला तो हम घर आ गए हैं। यहाँ पर चाय वाय बन के मिल गई है हमें और सब हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो पेट है वो निकल आया है, मतलब हम मोटे हो गए हैं। अब हम क्या करें, कैसे घटाएं मोटापा? ये है मेरी बेटू। अरे मेरे को तो पतला होना, मैं क्या बताऊं अभी। मतलब दोनों जन, माँ बेटी दोनों जन को पतला होना है। कल नहीं करिए चाची, हम भी मोटे हो गए, कैसे पतले हो, हम कहे खाना पीना बंद कर दो। ए, इतना तो हम खाते हैं, इतना कम का मतलब नहीं है, मतलब जो दिन भर कुछ ना कुछ इनकी आदत है, इनका मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है, मुंह इनका बंद नहीं रहता है। हम कहे एक टाइम फिक्स कर लूं, इतने टाइम पे इतना खाना है। मैं भी वही करती थी, लेकिन जब से यहाँ गाँव आई हूँ ना, थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर कम खाती हूँ, है ना। यहाँ पर देखो सुबह नाश्ता कभी बनता कभी नहीं बनता, वहाँ पर आरती दोनों मीटिंग नाश्ता बनाती है और कुछ ना कुछ वहाँ लखनऊ में चलता रहता है, लेकिन वहाँ पर टाइम फिक्स है, यहाँ पर टाइम नहीं फिक्स है, दिक्कत यही है। तो चलो जिस दिन नाश्ता करेंगे उस दिन खाना नहीं खाएंगे, जिस दिन खाना खाएंगे उस दिन नाश्ता नहीं करेंगे। लखनऊ में ना, हाँ ना, वही है यार, मेरे सारे ब्लाउज मुझे नहीं हो रहे हैं, पूछो इनसे, पूछो पूरी घी, फिर भी थोड़ा सा, थोड़ा सा फिर भी देखो इतना टाइट है। मेरे जितने ब्लाउज थे आज सारे ब्लाउज निकाल के देके आए हूँ ओपन कराने के लिए, कि यार थोड़ा सा ढीला ढीला कर दे, देखो इसमें भी सांस फूल रही है मेरी। चेंज सोचो, अभी हम आने से पहले ही सारे ब्लाउज बनवाए थे और सारे ब्लाउज मुझे नहीं आ रहे हैं। तो चलो मिलती हूँ आप सबसे कुछ देर बाद, ठीक है बाय। फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 9:30, यहाँ पर सब लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे सिस्टर की शादी के, रिकॉर्ड हम नहीं किए हैं, तो हमारी एक सिस्टर गा रही है यूं अखियां मिला के, अखियों से सब दामाद मुझसे रोट गए, सब दामाद रोट गए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा मैं बताऊंगी, कहीं नहीं बताना, नहीं मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ये बताऊंगी, यू अखियां मिला के अखियों से सब दामाद रूठ गए। चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बाद में बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ये हमारी चाय, हम चाय पी रहे हैं और ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो हमने सोचा हमें इस ब्लॉग का एंड करना चाहिए आप लोगों से बात करके। एंड ना करूं, खुद को दिखा दिया, नेहा है और अच्छा गन को, नेहा है और बाबू, ठीक है। सो इस ब्लॉग का करूंगी एंड, आज हमारे घर काफी सारे लोग आने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है शादी करीब में आ गई है, डेट नहीं बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा सस्पेंस है, मैं भी भाभी ने बता दिया हूँ, तो शादी करीब में है इसलिए आप सब इकट्ठा ही होंगे, काफी सारी रस्में हैं, तो आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। हम लोगों के यहाँ काफी सारी रस्में होती है, कुछ ब्लॉग मैं मेरे चैनल पे डालूंगी, कुछ ब्लॉग मेरी भाभी के चैनल पे आएगा, जैसे ऐसा नहीं है कि एक रस्म जो है वो मतलब मैं ही अलग, मैं अकेले थोड़ी ना उस रस्म को अपनी वीडियो में इंक्लूड कर पाऊंगी, तो आधा मैं करूंगी आधा मेरी भाभी करेंगी। भाभी के चैनल का नाम है यूपी ब्लॉगर आराध्या, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, प्लीज जल्दी से उनके 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, आप लोगों ने मेरे कहने पे उनके चैनल को सब्सक्राइब किया था, और प्लीज मेरे ही कहने पे कम से कम नहीं कुछ तो सिर्फ उनके 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। काफी टाइम से मेहनत कर रही हैं ताकि उनको सिल्वर प्ले बटन मिल जाए, हर यूट्यूबर की ख्वाहिश होती है कि उसे यूट्यूब की तरफ से कुछ गिफ्ट मिले, तो सिल्वर प्ले बटन प्लीज आप उनको दिलवा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, आई सी यू सो, लॉट्स ऑफ लव।